नीचे का मतलब अरे मुझे करने दे। किधर चुपू? ए बेवकूफ, अरे तू मुझे छोड़ के आ गया क्या डैड? हाँ, इतना बड़ा घर बनाया आपने, एक छुपने के लिए जगह नहीं बनाई। अभी वो किलर आपके किली के ऊपर आ रहा है तो मैं कहाँ छुपू? बेवकूफ, वो मारने मुझे आ रहा है और छुप तू रहा है। जा, अगर तू मेरा बेटा है तो जाकर खत्म कर दे दुश्मन को। जा जा नालायक जा। ओ गॉड, अब मैं कहाँ छुपू? हाँ छुपू, प्लीज हेल्प मी। पाप लगता है डैड की बोलती बंद हो गई है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओह गॉड, जिस कार से हम लोग घबरा रहे थे ना, वो अपनी ही गाड़ी थी। मैकेनिक छोड़ने आया था। अबे गधे की औलाद, इसके लिए खिड़की तोड़कर आने की क्या जरूरत थी? मैंने दरवाजा ठोका लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला। मैं समझा आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके लिए मैं खिड़की से आ गया। अरे तेरा खिड़की से आना मेरे लिए बहुत बड़ा हार्ट अटैक था। हार्ट मुंह में आ गया था, मुंह बड़ा होता तो बाहर आ जाता। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चुप। अब मैं कल ही कुछ दिनों के लिए नागपुर चला जाता हूँ ताकि उस किलर को पता ही ना चले, वरना वो किलर तो मुझे बाद में मारेगा, ये नालायक मुझे पहले ही मार देगा। गधा कहीं का। रोज रोज नालायक गधा सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। आप देखना, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अरे नहीं नहीं, एंगेजमेंट राज की। तुम्हारा फोन है। हेलो, कौन? तुम्हारा वेल विशर। वेल विशर? हाँ, मैंने फोन तुम्हें टिप देने के लिए किया है। कैसी टिप? जिन तीन लोगों का मर्डर तुमने किया है उनका चौथा पार्टनर एंथनी डिकोस्टा आज एक बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर जा रहा है। मौका बहुत अच्छा है, तुम उसे मुंबई नागपुर के बीच ठोक दो। रॉन्ग नंबर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, राइट मैसेज लेके भी साला रॉन्ग नंबर बोलता है। बॉस, अब क्या करने का? मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, उसे टिप मिल गई। थोड़ी देर में वो मेरे डैड को किल करने निकलेगा, हम लोग उसका पीछा करेंगे। इससे पहले वो डैड को ठोके, हम लोग उसे ठोक देंगे। बच गया, बच गया। साले मेरे उस नालायक बेटे से भी बच गया और उस किलर से भी बच गया। हेलो। तुम मुझे अपना निकम्मा नालायक बेटा समझते हो ना? अरे समझता क्या हूँ, तू तो पैदाइशी नालायक है। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राज का चौथा टारगेट तुम हो और तुम्हारा मर्डर होने से मैं रोकूंगा। अरे किलर को पता चलेगा तब ना। डैड, मैंने किलर राज को बता दिया कि तुम आज नागपुर जा रहे हो। क्या? डोंट बी स्केयर्ड डैड, वो तुम पर अटैक करेगा और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। अबे गधे, तू अपने बाप को मरवाएगा? मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम मेरे बाप हो। अच्छा किया, तू सचमुच मेरा बेटा है ही नहीं। है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे लेटेस्ट न्यूज़ तो मैं तुझे दूंगा, अगर मैं जिंदा बचाना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ गॉड, ये कैसा बेटा दिया है तूने मुझे, अब मैं क्या करूं? वापस मुंबई जाता हूँ तो सामने से मारेगा, नागपुर जाऊंगा तो पीछे से मारेगा। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर छुपू, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आदिवासियों के झोपड़े, गुड आइडिया। आज रात मऊआ पी के यहीं सो जाता हूँ, जो होगा सो होगा, देख लेंगे।
झोपड़ा हिल रहा है, अरे चलने लगा। अरे बाप रे, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अरे ये झोपड़ा मेरे पीछे आ रहा है। अरे बाबा बाबा, पता नहीं किसका फोन था। राज आ गया, चलो जल्दी छुप जाओ। प्रिया? हाँ? मेरी कार नहीं है। क्या, कहाँ पार्क की थी तुमने? वही व्हाइट कार के आगे। ओ गॉड प्रिया, अगर इस बार कुछ लफड़ा हुआ तो पूरा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी होगी, वरना इंस्पेक्टर खुराना इस बार मुझे नहीं छोड़ेगा। तो चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। कम ऑन, कम ऑन गाइस। अच्छा हुआ गाड़ी ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मैंने तो इसे नागपुर की तरफ डैड के पीछे जाने के लिए कहा था, ये पुलिस स्टेशन क्यों आया है? कम ऑन गाइस, फॉलो मी। टेलीफोन। अरे बाप रे, फिर से आ गई। बच्चे की वजह से गाड़ी रुक गई। तो ये फंडा है। जी सर। तुम्हें क्या लगता है कि एंथनी डिकोस्टा को खत्म करने के लिए तुम्हें किसने फोन किया होगा? मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर खुराना है। मैं एंथनी डिकोस्टा बोल रहा हूँ। यस मिस्टर डिकोस्टा, बोलिए। इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए, वो राज की कार मेरी जान लेना चाहती है। अरे राज तो यहाँ मेरे सामने बैठा, ये कैसे हो सकता है? गौर से देखिए अंदर कौन है। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। हेलो मिस्टर डिकोस्टा, आप इंस्पेक्टर मुझे बचा लीजिए। क्या हुआ सर? एंथनी डिकोस्टा को किसी ने मार दिया। समझ में नहीं आ रहा है वो कौन है जो बार बार गाड़ी चुरा कर मर्डर कर रहा है और इसका इल्जाम मुझे पर डालना चाहता है। पता नहीं टार्जन कहाँ होगी, डर लग रहा है कहीं फिर कोई हादसा ना हो जाए। फिक्र मत करो राज, जब पुलिस ने शहर के सारे एग्जिट सील कर दिए हैं तो टार्जन जरूर मिल जाएगी, और हो सकता है कि वो आदमी भी पकड़ा जाए। होप सो। अब चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
क्या मैं इंस्पेक्टर खुराना से बात कर सकता हूं? तो जब तुम यहां पहुंचे तो ये कार पहले से यहां मौजूद थी? जी। ये कार कंप्यूटर से चलती है क्या? नहीं। तो क्या रोबो चलाता है इसे? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर फंडा क्या है, ये कार यहां पहुंची कैसे? माताजी आप तो यहां पहले से थीं, आप बता सकती हैं? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता? जब तुम कार के चोरी होने की कंप्लेन मुझे लिखवा रहे थे उसी समय इस कार से किसी ने एंथनी डिकोस्टा को टेलीफोन बूथ समेत उड़ा दिया और फिर ये एक वफादार कुत्ते की तरह अपने मालिक के घर पहुंच गई। इसका मतलब क्या है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपके साथ था। मैं बताऊं रियल फंडा क्या है, तुम ये कार किसी और को देकर उससे मर्डर करवाते हो। ये आप कैसे कह सकते हैं जबकि आपके पास मेरे पोते के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? और अगर कोई बोल दे कि इस कार ने वो एक्सीडेंट किया है तो आप मान लेंगे? चलिए मैं बोलती हूँ कि वो चारों मर्डर आपकी जीप ने किए हैं। ये क्या फिजूल की बात कर रही हैं आप? फिजूल की बात कर रही हूँ मैं? आपका कहना है कि इस कार ने टेलीफोन बूथ उड़ाया है तो देखिए कहीं एक स्क्रैच एक खरोच नजर आता है आपको? जबकि एक ट्रक भी टेलीफोन बूथ उड़ाएगा तो उस ट्रक के भी अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। इतने बड़े ऑफिसर हैं आप, आपका दिमाग इतना भी नहीं चलता? कब से फंडा फंडा किए जा रहे? एक तो मेरे पोते ने खुद आपको फोन करके बुलाया, उल्टा आप उसी पर इल्जाम लगा रहे। अब तो मैं इस कार को लेकर कमिश्नर के पास जाऊंगी और उन्हीं से पूछूंगी क्या आपको ये कार टेलीफोन बूथ से टकराई हुई लगती है। आप कमिश्नर के पास जाएंगी? जरूरत पड़े तो होम मिनिस्टर तक पहुंचूंगी मैं। सर अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है, इसके पहले माताजी होम मिनिस्टर को अपने होम पे बुला लें और हमारा होम खतरे में आ जाए हमें अपने होम के लिए निकल लेना चाहिए। सर शट अप। सर शट अप। सर माताजी आप कमिश्नर होम मिनिस्टर ऊपर तक की पहुंच की बात उन ऑफिसर्स के सामने कीजिए जिनकी जिंदगी का फंडा ऊपर की कमाई से चलता हो, मुझ जैसे ऑफिसर के सामने नहीं। और ये कार, इस कार का संबंध हर मर्डर के साथ में है। मैं इस कार को अभी कस्टडी में लेता हूं। सीताराम रसाला बांध इसको जीप के पीछे। सर प्लीज, सर प्लीज आप मेरी कार मत ले जाइए, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं आपसे वादा करता हूं सर अब इस कार से कोई हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। सोच ले इस बार 4 नहीं 5 मर्डर का चार्ज लगाऊंगा तेरे ऊपर, तब इस कार को कस्टडी में नहीं लूंगा, माचिस की डिब्बी की तरह क्रश करके किसी कोने में फेंक दूंगा। समझ गया? ये क्या कर रहा है बेटी? दादी टार्जन को बनाकर मैं पापा को पास ले आया था, अगर ये दूर हो जाएगी तो लगेगा पापा भी दूर चले गए।
My baby, my doll, how are you? So, this is my little girl, yes. What a pleasant surprise, Papa. आप तो कल आने वाले थे. क्यों? तुम्हें surprises अच्छे नहीं लगते क्या? Of course, अच्छे लगते हैं, Papa. ये बताओ, राज कैसा है? He's the very good, Papa. Bye, this is fantastic. अब तुम एक काम करो. आज जब तुम कॉलेज जाओगी तो राज से कहना कि शाम को उसके घर हम उससे मिलने आएंगे. Thank you, Papa. Thank you so much. और तब तक हम अपने पुराने दोस्तों को मिल लेते हैं. क्यों? Okay. Come. हाय जोजो, हाउ आर यू? हाय. अरे कैसे हो भाई? और ये क्या चारों तरफ सिक्योरिटी? अरे कपूर अंकल, आप जिंदा हैं? अरे भाई, आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन. ये बताओ, मेरा दोस्त एंथनी कहाँ है? आपको पता नहीं, डैड तो चोपड़ा अंकल, सक्सेन अंकल और इंस्पेक्टर शर्मा के साथ चले गए. अरे भाई कहाँ गए? किसी हिल स्टेशन पर पिकनिक मनाने गए हैं, तो कहो मैं वहां जाकर के उन्हें मिल लेता हूँ. भाई प्रिया की एंगेजमेंट है और मैं उन्हें पर्सनली इन्वाइट करना चाह रहा हूँ. अगर आपको पर्सनली इन्विटेशन देना है ना, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा. क्या? आइए मैं बताता हूँ. Oh my God. ये? इन तीनों का मर्डर हुआ है. क्या? डैड को तो कार से कुचलकर मार दिया गया है, और पुलिस ने बताया कि चोपड़ा अंकल और सक्सेना अंकल का भी मर्डर उसी कार से हुआ है. पता चला कि उन्हें मरने वाला कौन है? उसे तो पुलिस अभी भी ढूंढ रही है. और जिस कार से उन लोगों का मर्डर हुआ है, वो कार कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर देवेन चौधरी की लड़की की है. देवेन चौधरी? हाँ, पुलिस को तो शक है कि वही लड़का मर्डर करता है या करवाता है. अंकल, अगर उस लड़के को पता चल गया कि आप यहाँ आ गए और आप इन लोगों के पार्टनर है, फिर कभी आपके पासपोर्ट पे लंदन का वीजा नहीं लगेगा. आपकी खड़े खड़े डेथ हो जाएगी और आपका पासपोर्ट बड़े बड़े एक्सपायर हो जाएगा. अंकल, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं प्रिया की एंगेजमेंट के बाद सब देख लूंगा. तुम फिक्र मत करो. ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मैं फिक्र क्यों करूं? मेरे डैड तो मर चुके. पापा, यही राज है. अरे नहीं 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 बेटे, भाई दामाद तो बेटे जैसा होता है और बेटा सीने से लगता है. आ जाओ. दादी, ये प्रिया के पापा हैं और ये मेरी दादी. नमस्ते. नमस्ते. आइए बैठिए. मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर आए. प्रिया अक्सर फोन पर आप लोगों की ही बातें करती रहती है. कहती है, पापा जब भी मैं दादी से मिलती हूँ तो मैं आपको भूल जाती हूँ. मुझे बेहद खुशी है कि मेरी ये प्यारी बच्ची आपके घर की बहू बनने जा रही है. ये तो आपका बड़प्पन है, और सच पूछिए तो हमारा सौभाग्य. शुक्रिया. मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ. जी. अंकल, ये मेरे पापा की तस्वीर है. पापा? जी. मेरे पापा के कातिल, समझ में आया मैंने तेरी बेटी से प्यार का नाटक क्यों खेला? तुझे लंदन से यहाँ बुलाने के लिए मैंने तेरे बाकी साथियों को तो मौत की घाट उतार दिया है. अब तेरी बारी है. क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं. क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटे, लगता है तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें चलना चाहिए. आओ चले, आओ चले. अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं? आप पहली बार हमारे घर आए, चाय तो पी लीजिए. नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम चलते हैं. लेकिन अंकल. बेटे बाद में बात करेंगे, आओ प्रिया. लेकिन पापा क्या? चलो हुआ? मेरे साथ अभी चलो. तो आए हैं. ये अचानक क्या हो गया इनको? पता नहीं, कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है. तबीयत ठीक नहीं है? पापा आपकी तबीयत तो ठीक है, फिर अचानक हम वहां से चले क्यों आए? इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाना चाहता. ये अचानक क्या हो गया आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता. हम दोनों लंदन वापस जाएंगे और तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा. दिस इज माय फाइनल डिसीजन, समझी? तो आप मेरा भी डिसीजन सुन लीजिए. मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से. आपको लंदन जाना है तो आप अकेले जाइए. प्रिया,
हेलो राज बिटुआ, बहुत गजब हुई गवा। वो ससुरा राकेश कपूरवा है ना, वो तोरी प्रिया को लेकर लंदन जात है। वो वहाँ उका दूसरे से ब्याह करे चाहत है।